हदीसे पाक में है,
हैं। अल्लाहुम्मा कियुमाना कासिमुन, अल्लाह अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ, तो मैं तुमको देने आया हूँ, तुमसे लेने के लिए नहीं आया हूँ। इसीलिए तो मुजद्दिदे मिल्लत हासरा, मुजद्दिदे मिल्लत ताहिरा, इमाम अहमद रज़ा फ़ासले बरेलवी बरेली के शदमी से पुकार उठे, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जो इख्तियार में। हुजूर फरमाते हैं, मैं तुमको देने आया हूं, तुमसे लेने के लिए ले आया हूं। अरे रब्बे कायनात ने तो मुझे खैरे कसीर अता फरमाकर मालदार बना दिया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए महबूब इन आतेना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको खैरे कसीर अता फरमाया, वो हमने आपको हाजत मंद पाया, धनी कर दिया। इसलिए मौलाना हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिससे को मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है उन्हें कुछ फकीरों पर प्यार, कुछ ऐसा कुछ प्यार ऐसा, खुद भीख दे खुद के मंगते का भला हो। हजरत गिरामी, ये वो शाहनशाही दरबार है जहां हर मांगने वाले को उसके मांगने से ज्यादा अता किया जाता है। वो शाहनशाही दरबार है जहां जो भी आया दीनों दुनिया का ताजदार बना दिया गया। तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं तुमको देने के लिए आया हूँ, तुमसे लेने के लिए नहीं आया हूँ। उल्लासलकुम अलैहि अजरा, ए महबूब फरमा दीजिए, मैं तुझसे कुछ उजरत नहीं तलब करता हूँ। इल्लल मवद्दता फिल क़रबा, सिवाय इसके कि मैं अपने कराबतदारी की मोहब्बत तलब करता हूँ। यानी ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, तुम मेरे दामाद मौला अली से प्यार करना, उनसे मोहब्बत करना, मेरी बेटी फातिमतु ज़हरा की तादीम व तौफीक करना, उनकी इज्जत करना, मेरे हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना, उनकी इज्जत व तादीम व तौफीक करना। उनकी तादीम व तौफीक करोगे तो क्या फायदा मिलेगा? यह फायदा मिलेगा कि अगर तुम हुसैन से मोहब्बत करोगे, मेरी आल से मोहब्बत करोगे, मेरी औलाद से मोहब्बत करोगे, तो मैं कयामत में तुम्हारी शफाअत करूंगा, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। जब मैं राजी हो जाऊंगा, रब्बे कायनात भी राजी हो जाएगा। इसलिए कि मेरे अहले बैत मुझसे हैं, मैं अहले बैत से जो है मोहब्बत करता हूं। तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, जब तुम मेरी आल से मोहब्बत करोगे, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, जब मुझसे मोहब्बत करोगे, खुदा तुमसे मोहब्बत करे। मैं तुमसे कुदरत नहीं तलब करता हूँ, सिवाय इसके कि मैं अपनी कराबतदारी की मोहब्बत तलब करता हूँ। तुम मेरे हुसैन करीमैन से मोहब्बत करो, और उसे मोहब्बत करने का यह फायदा मिलेगा कि मैंने बारहा दुआ किया है, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा वहिब्बुहुमा वहिब्बुहुमा वहिब्बुहुमा, हे अल्लाह मैं इन दोनों के महबूब रखता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, मुझसे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों को महबूब रखता है। तो हजरत गिरामी, यकीनन औलादे रसूल से मोहब्बत करना, रसूल से मोहब्बत करना है, रसूल से मोहब्बत करेंगे, यकीनन खुदा ताला राजी हो जाएगा। जब रब्बे कायनात राजी हो जाएगा, यकीनन आप कामयाब होकर हो जाएगा। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक मरतबा में रात के वक्त प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ, क्या देखा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले में मुबारक यानी कंबल ओढ़े हुए हैं, और आपके कंबल के नीचे कुछ उभरी हुई चीजें मालूम हो रही हैं। मुझे पता नहीं वो क्या चीज है, मैं हैरान और परेशान था। आखिरकार जब अपनी जरूरत से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का भी उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, आप क्या आगे उसे मुबारक में क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल मुबारक का गोशा उठा दिया, मैं क्या देखता हूँ? हसनैन करीमैन जलवा फरोज, हसनैन करीमैन जलवा अफरोज है। फिर प्यारे आका ने रब्बे कायनात की बारगाह में दस्तीन सवाल दराज किया, दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बुहुमा वअहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तुम इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों को महबूब रखता है। हजरत गिरामी, नबी मुकर्रम दुआ कर रहे हैं, नबी की दुआ रद्द नहीं होती है, हमारे नबी तो नबियों के सरदार है, नबियों के आका है, तो यकीनन आपकी दुआ कबूल हुई होगी, यकीनन आपकी दुआ मकबूल है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत हाजरा मुजद्दिदे मिल्लत ताहिरा बरेली की सरदबी से पुकार उठाए, पुकार उठे, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी जब नाज से दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
यकीनन हुजूर सरवर कायनात की दुआ रब कायनात की बारगाह में मकबूल होती है। तो रसूल कायनात दुआ फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं दोनों को महबूब रखता हूँ, तू भी मोहब्बत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल रिवायत करते हैं, हुजूर सरवर कायनात इन दोनों साहबजादों से इतना मोहब्बत क्या करते थे, क्या आप इन दोनों को जरा सी तकलीफ होती थी आप परेशान हो जाया करते थे। गली मुबारक से गुजर रहे हैं, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान से करीब से गुजरते थे, हसनैन करीमैन की रोने की आवाज आया करती थी, आवाज देते थे बेटी फातिमा तुम नहीं जानते हो इन दोनों के रोने से मुझे तकलीफ हुआ करती है, मुझे तकलीफ हो जाया करती है, इन दोनों को रोने से बाज रखा करो, रोने नहीं दिया करो। हजरत गिरामी रिवायत करते हैं, हम लोग मस्जिद नबी में जलवा फोज है, हुजूर सरवर कायनात खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हसनैन करीमैन के बचपन का जमाना है, छोटे छोटे अभी हैं, चलना ठीक से नहीं आ रहा है, जिसमें मुबारक पर सुर्ख लिबास से वे तन किए हुए हैं, दोनों बच्चे हुदरा फातिमी से निकलकर मस्जिद नबी में आ जाते हैं, मस्जिद की जमीन नाहमवार होने की वजह से दोनों साहबजादे चलते हैं गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं गिर पड़ते हैं, इस यही आलम है। प्यारे आका की नजरें मुबारक पड़ जाती है, रसूल कायनात पर खुतबा को बंद कर देते हैं, दौड़ते हुए तशरीफ लाते हैं, दोनों को उठाकर लाते हैं, अपने सामने बैठाते हैं, फिर इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नसर फरमाया है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद तुम्हारी आजमाइश है, बेशक मैंने इन दोनों साहबजादों को गिरते हुए देखा मुझे बर्दाश्त नहीं हो सका, मैं गया उठा कर ले आया हूँ। हजरत गिरामी गौर फरमाइए, रसूल कायनात दोनों साहबजादों से कितना मोहब्बत फरमाया करते थे, अपनी औलाद को किस कदर चाहते थे कि गिर रहे हैं, बचपन का जमाना है, खुतबा को छोड़कर हाजिर हो जा रहे हैं, दुनिया का कोई इंसान अपनी औलाद के लिए खुतबा नहीं छोड़ता है, लेकिन रसूल कायनात अपनी औलाद के लिए किस कदर खुतबा को बंद करके हाजिर हो जाया। हज़रते गिरामी यकीनन हुज़ूर सरवरे कायनात बहुत ज्यादा दोनों साहबजादों को चाहते थे, मानते थे, बेशुमार रिवायतें इस पर शाहिद हैं, गवाह है कि हुज़ूर सरवरे कायनात उन दोनों की वजह से बेचैन हो जाया करते थे, बेकरार हो जाया करते थे, यही तो वजह है कि हुज़ूर सरवरे कायनात की दीन की सरबलंदी के लिए जो है दोनों ने जान की बाजी लगा दी। हज़रते गिरामी एक रिवायत नहीं बेशुमार रिवायतें हैं कि हुज़ूर सरवरे कायनात दोनों साहबजादों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। आज कुछ लोग तो यही एतराज करते हैं कि हुजूर सरवरे कायनात की औलाद कैसे थी, ये तो उनके बेटे के लड़के हैं। तो हजरते गिरामी मैं उनसे कहना चाहूंगा, किताब को देखिए, हजरत अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह सवाय के मुहर्रका में, हजरत अल्लामा नवानी रहमतुल्लाह अलैह शर्फ मुअब्बद में और दिगर उलमाए किराम ने अपनी किताबों में तहरीर फरमाया है हुजूर सरवरे कायनात की सरी हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल नबीन फी सुलबिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुलबि अली इब्न तालिब, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की उम्मत को उसके पुश्त से पैदा फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला मेरी औलाद को हजरत अली इब्न अबी तालिब की पुश्त के अनवर से पैदा फरमाया। दूसरी हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर औलाद जो है अपने अपने उस्बा की तरफ जो है मंसूब की जाती है, मेरी औलाद जो है फातिमतुज़ ज़हरा की तरफ मंसूब की जाएगी। हज़रते गिरामी बेशुमार बातें इस पर दलालत कर रही हैं कि दोनों शहजादे इब्ने रसूल और शहजादे रसूल। और ये भी बता दूं, हुज़ूर सरवरे कायनात का सिलसिला नसब कयामत तक और कयामत में भी बाकी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब फरमा दीजिए कि मैं जो है किसी के काम नहीं आऊंगा, ए बेटी फातिमा मैं तुझे भी काम नहीं आऊंगा, लेकिन हदीसे पाक बताती है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु सबब यु व नसब जनकतु यौमल कयामत इल्ला सबब यु व नसब, कयामत के दिन हर एक का सबब और नसब खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा सबब और नसब बाकी रहेगा। और एक हदीस पाक में आका कायनात ने शहजादे रसूल औलादे रसूल के लिए क्या दुआ मांगी, हजरत इमरान इब्न हुसैन सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सहाबी रसूल फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, साल तो रब्बी अल्लाह
कबूलियत अता फरमाई, यानी अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया कि मेरी औलाद कयामत तक जो भी होगी जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह। साहब हदीस बताती है कि हुजूर सरवरे कायनात की औलाद कयामत तक जो हसनैन करीमैन से है जहन्नम की आग में दाखिल न होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग उन पर हराम कर दिया है। दूसरी हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा की औलाद पर आग को हराम कर दिया, क्योंकि फातिमा ने अपने नफ्स की हिफाजत फरमाई। दोनों हदीस बताती है कि हसनैन करीमैन की औलाद जहन्नम की आग में दाखिल ना हो। कहा है वो लोग जो इमाम हुसैन को बागी करार देते हैं, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो खुद जहन्नम के आयधन हो रहे हैं। क्योंकि जो आले रसूल से बग़्ज़ रखेगा, हसद रखेगा, यकीनन वो जहन्नम में जाएगा। दूसरी हदीस पाक में हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा ऐलान कर दो, जो मेरे यार से बग़्ज़ व इनाद रखेगा, वमन माता ला बग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता का हुर्रमत जन्नत व अला मन ज़लम अहले बैती। ए मेरे सहाबा ऐलान कर दो कि जो शख्स आले रसूल से बग़्ज़ व इनाद रखेगा वो काफिर मरेगा, और जन्नत उस पर हराम कर दी गई है जिसने मेरे अहले बैत पर ज़ुल्म किया। पता चला आले रसूल जन्नत में जाएंगे, आले रसूल जहन्नम में नहीं जाएंगे। अगर गुनाहगार होंगे तो तौबा की तौफीक मिलेगी, क्योंकि हुजूर सरवरे कायनात ने दुआ फरमाई। यकीनन जो है अल्लाह तबारक व तआला उनका मुहाफिज, सहाबे किराम गवाह है कि हुजूर सरवरे कायनात ने बारहा आले रसूल के लिए दुआ फरमाई। यकीनन आले रसूल का बड़ा मर्तबा है, बेशुमार रिवायतें इस पर शाहिद हैं, बेशुमार मौकों पर आले रसूल की हुजूर ने तारीफ फरमाई, तौसीफ फरमाई है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबे रसूल इरशाद फरमाते हैं, हुजूर सरवरे कायनात ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमाने के बाद उसी खुतबे में आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम इन अखज़्तुम बहीलन तदिलु किताब अल्लाह व इत्रति अहल बैती। ऐ लोगों, मैं तुम में उन चीजों को छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम इनके दामन से वाबिस्ता रहोगे, अगर तुम इनके दामन को थाम लोगे, कभी गुमराह न होगे, कभी गुमराह न होगे। एक तो किताब अल्लाह कुरान मजीद है, दूसरे मेरे अहले बैत और मेरी औलाद है, अगर तुम इन दोनों के वाबिस्ता रहोगे, कभी गुमराह ना होगे, हिदायत याफ्ता रहो। وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم أمان لأهل السماء النجم أمان لأهل السماء وأهل بيت أمان لأهل الأرض। आसमान के सितारे आसमान वालों के लिए आमान हैं, मेरे अहले बैत जमीन वालों के लिए, सुभान अल्लाह, मेरे अहले बैत जमीन वालों के लिए आमान है। तो जो अमन देने वाला हो वो बागी कैसे हो सकता है, जो अमन पहुंचाने वाला हो वो बागी कैसे हो सकता है। पता चला हजरत इमाम हुसैन हक पर थे, बागी नहीं, वरना हुजूर आमान वाला। हुजूर सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्ले शैइन असासुन वासासुल इस्लाम हुब्बु आले बैती व हुब्बु असहाबी। हर चीज की बुनियाद होती है, आप इस्लाम की बुनियाद मेरे अहले बैत और मेरे सहाबा। पता चला अहले बैत इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की जड़ है, और जब जड़ मजबूत है तो इंशाल्लाह जो है जो उसके दामन को थामेगा कामयाब हो कामरा। फिर रिवायत कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्बतुकुम अला सिराते अशुद्दुकुम हुब्बन लिअहले बैती। कयामत के दिन उन सिरात पर सबसे ज्यादा वो मजबूत और गामजन सही से गामजन रहेगा जो मेरे अहले बैत से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
وقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان مثل اهل بيت فيكم مثل سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. حضور سرور کائنات کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں گواہ ہو جاؤ بے شک میں نے حضور سرور کائنات کو فرماتے ہوئے سنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو اے میرے صحابہ یاد رکھو بے شک میرے اہل بیت کی مثال تم میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا جو اس سے پیچھے رہا ہلاک جو پیچھے وہ ہلاک ہو گیا جس طرح سے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے مومن نجات پا گئے تھے اسی طریقے سے جب تم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے یعنی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے اور ان کے قدموں پر چلنے والے ہو گے نقش قدم کو اپنا لو گے کبھی تم گمراہ نہ ہو گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو. یقیناً اہل بیت کی محبت رسول کائنات کی محبت ہے. اہل بیت سے محبت کریں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور سرور کائنات نے غدیر خون کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا. غدیر کے معنی حوض و گڈھا. خون ایک جگہ کا نام ہے مکہ مدینہ کے درمیان. حضور سرور کائنات جب وہاں پر پہنچے صحابہ کرام کو واضح نصیحت فرمائی. سب سے پہلے حضور سرور کائنات نے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی پھر واضح نصیحت فرمائی آخر میں ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین اے میرے صحابہ بے شک میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں بھاری بھرکم چیزوں کو مضبوط وزنی چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے کامیاب رہو گے کامران رہو گے گمراہ نہ رہو گمراہ نہ ہو گے ہدایت یافتہ رہو گے. سنو اول کتاب اللہ اس میں پہلے اللہ کی کتاب ہے فی نور وہدا اس میں نور اور ہدایت ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں حضور سرور کائنات نے قرآن کے بارے میں رغبت دلائی قرآن کو پڑھنے کے لیے ابھارا پھر ارشاد فرمایا دوسرے اہل بیت وذکرکم اللہ فی اہل بیت وذکرکم اللہ فی اہل بیت دوسرے میرے اہل بیت ہیں میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈراتا ہوں اہل بیت کے بارے میں اب جو ہے خدا سے ڈراتا ہوں. مطلب کیا ہے یعنی اے لوگوں میرے اہل بیت پر ظلم نہ ہونے پائے ان پر ظلم و ستم نہ ہونے پائے ان کی تعظیم و توقیر کرنا ان کا ادب کرنا ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ان کے نقش قدم کو اپنا اپنا لینا تو تم کامیاب ہو کامراہ ہو جاؤ. حضرات گرامی بے شمار روایتیں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ اعلی لها شفیع یوم القیامہ چار شخص وہ ہے جن کی میں قیامت میں شفاعت فرماؤں گا. اول المکرمون ذریتی پہلا وہ جو میری اولاد کی تعظیم و توقیر کرے المکرمون ذریتی جو میری اولاد کی تعظیم و تقریم کرے گا والقاضی لهم حوائجهم دوسرا وہ شخص جو ان کی ضرورتوں کو پوری کرے گا والثالث والسعی فی امورهم اذا مستطعوا الیہ تیسرا وہ شخص جو ان کے کاموں میں کوشش کرنے والا ہے جب ان کو ضرورت پڑے جب اس کے لیے وہ پریشان ہو جائے تو ان کی جو ہے کوششوں میں محنت کر دیجیے. والرابع والمحب لهم بلسانه وقلبه چوتھا وہ شخص جو اہل بیت سے دل اور جو زبان سے محبت کرنے والا ہو ان چاروں کی میں قیامت میں شفاعت کروں. غور فرمائیے کیسے خوشخبری آقا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں آنا لہا شفیع یوم القیامہ میں ان چاروں کی قیامت میں شفاعت فرماؤں. اور حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ کو کمال کر دیا آپ نے تفسیر کشاف سے ایک لمبی چوڑی حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا کی یہ طویل حدیث اہل بیت کی فضیلتوں پر دلالت کر رہی ہے. وہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علام اماتا
और कामिल ईमान होकर दुनिया से गया और वो मोमिन होकर मरा जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की। वकाला ऐसा अकबर की यादा इतनी
इतनी पसंद आ जाती है, सिद्दीक अकबर की याद इतनी पसंद आ गई कि लम्हाए मुबारक को जुम्मिश हुई, आकाए कायनात मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, या आबा बकर इन्नमा यअरफुल फज़ल लिअहलिल फज़ल दुल फज़ल, या अबू बकर बेशक फजीलत वाले की फजीलत को फजीलत वाला ही जानता है, फजीलत वाले की फजीलत को फजीलत वाला ही जानता है। गौर फरमाइए मौला अली को कौन जगह दे रहे हैं, सिद्दीक अकबर दे रहे हैं कि अरे मौला अली यहाँ बैठिएगा। हजरते गिरामी ये है सहाबे किराम जो आले रसूल से और घराने रसूल से मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं, यही मौला अली हैं जिनके चेहरे की ज़ियारत सहाबे किराम क्या करते थे। रिवायत में आता है एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से आते करती हैं, ये अब्बा हुजूर क्या बात है, आप मौला अली के चेहरे की ज़ियारत करते नजर आते हैं, मैंने बारहा देखा है आप मौला अली के चेहरे को कसरत से देखा करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो मौला अली क्या नफी जवाब देते हैं, ए मेरी बेटी आयशा तुम्हें क्या मालूम नहीं है रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया है अन्नसरु इला वजह अली इबादत, हजरत अली का चेहरा देखना इबादत है, इसीलिए मैं मौला अली के चेहरे की ज़ियारत क्या करता हूँ, इसीलिए मैं मौला अली के चेहरे की ज़ियारत क्या करता हूँ, मौला अली के चेहरे को देखा करता हूँ कि अली का चेहरा देखना जो है इबादत है, अली की दीन दीदाए मुस्तफ़ा है, अली की दीन दीदाए मुस्तफ़ा है, क्योंकि नूरे के नूरे मुस्तफ़ा मौला अली हैं, के नूरे मुस्तफ़ा मौला अली हैं। हजरते गिरामी मौला अली की फजीलत अल्लाह अकबर, मौला अली बाबे मदीनतुल इल्म है, हुजूर फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। हजरते गिरामी मौला अली के इल्म की फजीलत अल्लाह अकबर, एक मरतबा मौला अली जलवा फरोश हैं, आपने हाजिरीन मजलिस से फरमाया जो कुछ पूछना है पूछ लो, मौला अली से पूछना शुरू किया, आपने हर एक को जवाब दिया, फिर पूछा जवाब दिया, जब सब लोग खामोश हो गए आपने फरमाया जिसको जो कुछ पूछना है पूछ ले, जब देखा सामईन कुछ नहीं पूछ रहे हैं जिब्रील अमीन नाज़िल हुए, पूछा अली तुम पूछे कहते हो पूछने के लिए, पूछूं का पूछिए बिल्कुल पूछिए, जिब्रील ने कहा ए अली बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है, मौला अली ने नजर घुमाई ऊपर देखा नीचे देखा दाएं देखा बाएं देखा, फरमाया जिब्रील न ऊपर है न सिदरतुल मुंतहा पर है न कहीं और ऊपर आसमान में है न किसी आसमान में है न जमीन में है न दाएं तरफ है न बाएं तरफ है, जिब्रील कहीं नहीं है, जिब्रील तुम ही नजर आ रहे हो। गौर फरमाइए निगाह अली को देखिए, निगाह उठी अर्श आजम तक पहुंची, जमीन अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद और फरमाइए मौला अली की निगाह का आलम देखिए, ऊपर देख रहे हैं अर्श आजम से निगाह पार कर रही है, जमीन की तरफ देख रहे हैं तहकुसरा से नजर पार गई कर गई, दाएं देखा दुनिया की हद खत्म हो गई, बाएं देखा दुनिया की हद खत्म हो गई, लेकिन अली की निगाह बढ़ती चली गई, जिब्रील अली को तलाश करके बता देते हैं जब मौला अली की नजर का ही आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की नजर का क्या आलम, जो नबी की निगाह पर एतराज करते हैं कहते हैं कि जो है नबी को इल्म गैब नहीं था, मौला अली को जब इल्म गैब है तो नबी को क्यों नहीं इल्म गैब होगा, यकीनन मेरा अली जो है जब इतना वसत वाला है तो मेरा नबी कितना वसत वाला होगा। मौला अली से पूछा गया ए अली तुमको ये इल्म कहां से आया, तुम गैब की बात कहां से जानने लगे, तो मौला अली ने कहा नबी मुकर्रम ने एक मर्तबा जबान चुसा दी थी, उनकी जबान चुसा ये इल्म आ गया, फिर वाकिन हजरत अली फरमाते हैं और इल्म बढ़ा, कैसे बढ़ा, जब मैं नबी मुकर्रम को गुस्ल दे रहा था, नबी मुकर्रम को गुस्ल दिया कुछ पानी पलकों पर बाकी रह गए, मैंने अपनी जबान से चूस लिया, मैंने चूसा मुझे इल्म अवलीन व आखिर हासिल हो गया, मुझमें इल्म अवलीन व आखिर हासिल हो गया। अरे मौला अली के अंदर इल्म क्यों ना हासिल हो, आप तो गौसे अकबर, गौसे अकबर वही होता है जो दुनिया के निजाम को चलाता है, मौला अली तो मौला अली है, गौसे आजम जो उनकी औलाद में है वो फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा कखरदरतिन अला हुक्म तसानी, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई के दाना, तो जब गौसे आजम का ये आलम है तो मौला अली का
का क्या आलम होगा। तो हजरत गिरामी, मौला अली की बेहद फजीलतें हैं, मौला अली इनमें के ताजदार हैं। मौला अली की सरबलंदी देखना चाहते हो, फतह मक्का के दिन देखो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली आओ, आलियो हुबुल बुज जो ऊपर रखा हुआ है इसको तोड़कर गिरा दो। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आइए मेरे दोस्त मुबारक पर सवार होकर आप अपने हाथों से गिरा दीजिए। रसूल कायनात ने फरमाया, तुम नबुवत का बोझ नहीं उठा सकते हो, आओ मेरे कंधों से मुबारक पर सवार हो जाओ। मौला अली नबी मुकर्रम के दोस्त पर सवार हो जाते हैं, फिर उस बुत को चकनाचूर कर देते हैं। नबी मुकर्रम ने पूछा, अली कहां तक पहुंचे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अर्श आजम तक पहुंच गया हूं। अगर कहे तो उसके पाए को पकड़ कर नीचे कर दो। वो अली हैं जिनको नबी ने इतना बुलंद कर दिया कि अर्श आजम तक पहुंच गए हैं। तो उसने उस अली की हकीकत को दुनिया क्या समझ सकती है कि अली क्या है? आहते फातिमतुज़्ज़हरा की हकीकत, अल्लाह हू अकबर, फातिमतुज़्ज़हरा की हकीकत को तो दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता। नबी के अलावा जब सहाबे किराम नहीं समझ सके तो हमार सुमा के सुमारों कतार में है। नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफ़ी हकीकतन गैर रब्बी गैर रब्बी, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। मौला अली परेशान हो गए, या अल्लाह मैं रसूल की हकीकत को नहीं पहचान सकता हूँ, मैं रसूल कायनात के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, मेरे चचा के लड़के हैं, घर में आना जाना है, बचपन को देख रहा हूँ, जवानी को देख रहा हूँ, रसूल कायनात के साथ हर लम्हा हूँ, फिर भी नबी की हकीकत से परेशान हूँ। मौला अली ने क्या, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपकी हकीकत को नहीं जानता हूँ। रसूल कायनात ने फरमाया, अली तुम मेरी हकीकत को क्या समझ सकते हो, जब जो है तुम मेरे फातिमा की हकीकत को नहीं पहचान सकते हो। मैं रसूल कायनात की हकीकत नहीं जानता, फातिमा की हकीकत से भी नहीं वाकिफ हूँ। फातिमा तो मेरी जौजे मोहतरमा है, मुझके साथ उठना बैठना है, उससे अल्लाह ने मुझको मेरी औलादें भी अता फरमाई हैं। ये मामला क्या है? हैरान और परेशानी के आलम में घर तशरीफ लाए, चेहरे पर आलम है, परेशानी का आलम है, हैरानगी के आलम में बैठ जाते हैं। फातिमा को जहरा परेशान देखा, पूछा, अली परेशानी की क्या वजह है, आप तो परेशान नजर आ रहे हैं। कहा, फातिमा एक अजीब बात हो गई, कब क्या? नबी मुकर्रम ने, रसूल कायनात ने यह हदीस पाक बयान फरमाई और मैंने जब सवाल किया तो फरमाया, तुम जो है मेरी हकीकत क्या समझ सकते हो, जब फातिमा की हकीकत नहीं समझ सकते हो। हैरानी की वही वजह है। हज़रत फातिमा ने कहा,